कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें सार्वजनिक देश का समर्थन मिलता है। ये एक ऐसी पार्टी है, आप ये समझिए कि 1984 के बाद, मतलब 16 साल वो हो गए और 14 साल ये, 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को सिंगल बहुमत मिला है तो आचार्य श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी 30 साल के इतिहास के बाद एनडीए यूपीए की सरकार बनी। फ्रांस जर्मनी में भी जब कोलिशन पीरियड आया 30-30 साल चले, उसके बाद टू पार्टी सिस्टम आ गया। मोदी जी को पहली बार मैंडेट मिला कि सिंगल पार्टी ने 301 वोट लेके बनाया। पूरे देश में दूसरे प्रधानमंत्री वो हैं जिन्हें लोगों ने तीसरी बार चुनने का भी मन बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा, आपका सर्वे कह रहा है, मीडिया का, सब जगह ये आ रहा है कि दो तीसरी बार फिर आएंगे। जितने भी इंदिरा जी को भी एक बार 1970 में लोगों ने ब्रेक दे दी थी, तीसरी बार नहीं बने। बाकी एनडीए यूपीए की सरकारें थी, कोई 5 साल चला, कोई 7 साल चला, कोई 10 साल चला, कहीं 12 पार्टी की कोलिशन थी। एनडीए यूपीए एक कोलिशन की, दोनों के एक स्ट्रक्चर थे, वो चले। बहुत प्रधानमंत्री आए पर इतना लंबा कोई नहीं चला और सबसे देश में पॉपुलर। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अमेरिका में जब अमेरिका का प्रेसिडेंट स्टेज पे होता है तो वहाँ अमेरिकन मैरिज किसी को अलाउ नहीं करती, स्टेज पे जाने के डैश पे कोई आदमी नहीं चढ़ सकता। पहली बार एक एनआरआई का प्रोग्राम था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे, उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट को हमारे प्रेसिडेंट का हाथ साथ पकड़ के स्टेज पे डैश पे चलना पड़ा, जहाँ मोदी मोदी नारे लग रहे थे। आज मोदी साहब को या नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने बहुत पॉपुलर लीडर माना है, हर एजेंसी ने उन्होंने माना है। और इस करके भारतीय जनता पार्टी की एक रैली थी। मेरा इनसे ये संबंध है कि जब चुनाव हुए, एक जिसे कहें कि एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, एक खंडित जनादेश था, 40, 31, 10 और 7, हम 7 इंडिपेंडेंट थे। सबसे पहला आदमी मैं था जिसने अनकंडीशनल बीजेपी को समर्थन दिया, खाली मोदी जी को वो देख के। इसके बाद बीजेपी से मेरा एक अब तक बहुत अच्छा रहा, उनका भी मुझे पूरा समर्थन रहा, मुझे भी वो उन्होंने बहुत इज्जत दी और मैं बीजेपी के, तो मुझे ये नहीं देख रहा था। मुझे सीएम साहब ने कहा कि आप सिरसा रैली में हमारी मदद करेंगे, मैं पूरी तरीके से मदद लगी, मैं उनकी कैबिनेट मिनिस्टर था, मुझे कहा गया, मैंने पूरा उस रैली के लिए जोर लगाया। बहुत बड़ा जनसमूह था, पंजाब में भी रैली थी, हमारे यहाँ थी, इतना बड़ा जोश, इतना मतलब सब जगह जो फीडबैक आया, मीडिया भी कह रहा है बहुत सक्सेसफुल रैली थी। और इसके बाद विपुल जी हमारे उस रैली में कन्वीनर बना के भेजे थे, ये संयोजक थे उस रैली का, सब लोगों का आपस में हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और वो रैली अभूतपूर्व रैली थी सरसा के इतिहास में। मैंने वहाँ भी बताया था, एक एनटी रामाराव की ऐसी रैली, दूसरी एक बार वेंकैया नायडू आए थे तब ऐसी रैली थी, ये तीसरी ऐसी बड़ी सभा थी।